नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के जन्मदिन पर ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा द्वारा एक अनूठी पहल की गई, जिसमें अब रोज हजारों लीटर पेयजल व्यर्थ बहने से बच जाएगा। एक हैंडपंप से पानी पीने में एक व्यक्ति प्रतिदिन 5 लीटर पानी व्यर्थ बहा देता है। यदि 24 घंटों में एक हैंडपंप से 100 व्यक्ति पानी पीते हैं तो करीब 500 लीटर पेयजल व्यर्थ बह जाता है। इस प्रकार सैकड़ों हैंडपंपों से हजारों लीटर पेयजल की बर्बादी होती है। ग्राम प्रधान अनीस खान ने पहल करते हुए पांडरवानी लालबरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त हैंडपंपों में स्टील के ग्लास चेन सहित लगवा दिए हैं। रिंग स्टैंड चेन और ग्लास लगाने पर प्रति हैंडपंप 100 रुपए का खर्च भराता है। इससे राहगीरों और प्यासे व्यक्ति को पानी पीने में सहूलियत भी होगी और व्यर्थ जल बहने से भी बचेगा। ग्रीष्मकालीन सीजन आने वाला है और सभी जगह प्याऊ भी उपलब्ध नहीं होते। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक हैंडपंपों का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में पूर्व में भी ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा द्वारा जिले में सबसे अलग और बेहतर कार्य किए गए हैं। हमारे राज्यसभा सांसद महोदय जी का जन्मदिन के अवसर पर उनकी प्रेरणा से ग्राम पंचायत पांडवानी के जितने भी 85 हैंडपम्प सभी हैंडपम्पों में जो है आज गिलास लगाने का काम किए। गिलास लगाने का फायदा ये है कि कोई भी व्यक्ति एक हैंडपम्प में यदि पानी पीता है उसको 5 से 6 लीटर पानी बह जाता है व्यर्थ में और सिर्फ आधा लीटर के करीब उपयोग करता है। हमने इसमें जो है चैन सहित स्टैंड सहित इसमें गिलास लगाया है तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति यदि पानी पीने आएगा तो 5 लीटर उसका पानी बचेगा हेडपम्प का। इस तरीके से यदि 100 लोग एक हेडपम्प में पानी पीते हैं तो प्रतिदिन एक हेडपम्प 500 लीटर पानी बचाएगा। तो हमारी पंचायत में 100 हैंडपम्प तो मेरा मानना है 5000 लीटर पानी प्रतिदिन बचेगा। और यदि यह चीज़ जो जो हमने किया है इसको यदि जो है संपूर्ण बालाघाट जिले में यदि लागू किया जाए तो मेरा मानना है लाखों लीटर। संरक्षण की दिशा में कैसे विचार आया आपके मन में? हाँ, क्या हुआ था, मैं कई बार देखता था कि हेडपम्पों में जो है कोई भी जाता है पानी के लिए वो पानी व्यर्थ बहाता है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई है कि जल संरक्षण को लेते हैं। इसके पहले भी हमने बहुत बड़ा काम किए हैं तालाब से तालाब जोड़ने का। आज उसके कारण हमें ये फायदा मिल रहा है कि संपूर्ण लालबरा पंचायत का वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और सभी जितने भी हमारे तालाब हैं 10 से 12 फीट अभी भरे हुए हैं। अभी कोई भी हम कुआं खोदते हैं या हैंडपंप में गर्मी के दिनों में ये कभी सूखते नहीं। अभी इस समय जो है 15 फीट की गहराई में जो है कुओं में पानी है। इससे जो है जल संरक्षण की दिशा में किया गया यह कार्य है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि समाज सेवियों को भी इसमें सामने रखते हुए सिर्फ 100 रुपये के खर्चे में 30 रुपये की गिलास 30 रुपये की इसमें चैन है और 30 रुपये वेल्डिंग वाला ले रहा है। इस तरीके से 100 रुपये में एक हैंडपम्प का खर्चा आ रहा है और प्रतिदिन हम लोग जो है 100 रुपये के खर्च में 500 लीटर पानी प्रतिदिन बचाया जा सकता है। जो आपने भी पूछा है इसको आगे ऊपर तक पहुँचाने का कुछ है? फिलहाल जो है हमने इसको पंचायत स्तर पर रखा हुआ है कि हमारी पंचायत में करेंगे और निश्चित रूप से हमारी जो जितनी भी समाज सेवी संस्था है इसे प्रेरणा लेंगी और प्रेरणा लेके समाज सेवी लोग भी ये काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम है। आने वाले समय में गर्मी आ रही है और इस समय जो है देश और विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण का बड़ा विशेष महत्व चल रहा है। उसको लेते हुए पूरे देश विदेश में इसके काम चालू है कि पानी को कैसा बचाया जा सके, क्योंकि पानी का जलस्तर प्रतिदिन नीचे जाते जा रहा है। हम ऐसा काम करेंगे इससे जलस्तर बना रहेगा और आने वाले समय में जितनी भी संस्थाएँ, मेरा मानना है सरकार तो इसको लागू कर सकती, क्योंकि जो इसका कवर है हेडपम्प का इसमें सिर्फ उनको एक क्लिप लगाना है और वो गिलास का स्टैंड और वो रेडीमेड यदि लग के आ गया तो आप ये समझिए कि बहुत बड़े फायदे इसमें मिलेंगे और ज़्यादा खर्चा है भी नहीं।